वेलकम टू टॉकीज बुलेटिन। आज बुलेटिन में हम देखेंगे जी सिने अवार्ड्स। अरे सोनू भाई जरा डांस करो ना। वेरी गुड, मस्त नाचा। अभी गाना गा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अरे थैंक यू, बाय बाय। तो मेरे वीडियो के तो सोनू ने स्टार्ट एकदम सुरीली और डांसिकल कर दी है। अभी आगे देखते कौन मिलता है। आइला श्री आंटी इधर आओ ना। तो कैसा लग रहा है? सब लोग तो बोल रहे तुमको मिलेगा प्राइज यानी ये अवार्ड। व्हाट डू यू फील? देखिए सब लोगों ने बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छा काम किया एंड दे ऑल डिजर्व इट। लेट्स सी एंड होपिंग। यानी मन में है ना? ए जाड़े तू इधर काहे को आया बोलना। मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि चल भाई। हाँ थैंक यू। ये देखो बर्फी का मर्फी अपने डैडी के साथ और उसके बाजू में पूरा मिठाई का डब्बा है विद्या बालन। और उन सबको बेचने वाला हलवाई देखो सिद्धार्थ राय कपूर। रणवीर मैं बोलूँ ना सही में जितने भी एक्टर लोग आए यहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटी सब बोल रहे रणवीर रणवीर को ही मिलना चाहिए अवार्ड। अरे सही में बोल रही मैं, तेरे को क्या लगता है किसको मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट एक्टर था नवाजुद्दीन जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया था। आई थिंक फॉर मी दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द। सही बोला एकदम। और एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस आई लाइक पीसी दीपिका एंड विद्या। वेरी गुड। और फिल्म कौन सी अच्छी लगी बोलना? बर्फी। मेरे को मालूम ही था यार बर्फी बोलेगा, लेकिन सही में बर्फी का मर्फी और बर्फी दोनों अच्छे। आई लाइक दीपिका। कम 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 बेबी, मैं अच्छा लग रही है तू। ए हैप्पी बर्थडे बोल रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे डे लेट बट थैंक यू। लेट क्या, हम लोग को बुलाया क्या? तो भी हम लोग कर रहे हैं ना। अच्छा बता ये बहुत हॉट और गॉर्जियस लग रही है तू। हॉट गॉर्जियस? हाँ कि क्या पहना है, किसने पहनाया? I've been styled by Anita Shroff. This is a Naeem Khan gown. Deepika, tere favorite actor, actress or film kaun si hai 2012 ki? I think actor would be Ranbir for Barfi. I think actresses, there've been some superb female performances this year, so I think it's difficult to tell. Correct. And film again, I think would be Barfi for me. Ekdam sahi. Is baar hai na Deepika, bahut sari shaadi hui, to tere ko kya lagta hai 2013 mein kin kin ki shaadi honi chahiye? I mean, I can't decide who has to get married and It's their personal choice really. Very good, बहुत क्यूट लग रही है तू आज, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको अगर अच्छी लग रही है दीपिका पादुकोण है तो लाइक मारो। ये देखो हरी हरी हरियाली सोनाली बेंड्रे और उसका हस्बैंड मस्त था। मेरे को तो यानी लगता है कि आज भी सोनाली आएगी ना तो बहुत सारी हीरोइन को यानी पीछे छोड़ देगी। आपको क्या लगता है सोनाली अभी भी वो चार्म है सोनाली में तो लाइक मारो। आइला ये कौन है चाइनीज? आइला प्लीज जेनेलिया देशमुख। मेरे को लगता है ना इसका मेकअप है ना रितेश करते रहेगा, ऐसे ही कार्टून गिरी करके उसको भेज देता है बेचारी को। ये देखो बोमन ईरानी चाय वाला। ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। ये देखो एक पिक्चर है ना सक्सेसफुल हो गई तो देखो कैसे लाइफ चेंज हो जाता है। ये ना ये पहन के तो कैसे लग रही है मालूम है, मरमेड जैसी जल परीला बोलते हैं ना उसको वैसी। ए नवाजुद्दीन मेरे को ना जरा वासेपुर का डायलॉग बताना। हम तो सोचे थे संजीव कुमार के घर में बच्चन पैदा हुए लेकिन जब आंख खुली तो देखा साला हम तो शशि कपूर है। सॉरी यार मेरी सिटी वैसी नहीं आती तेरी जैसी। ए मेरे को ना तेरा फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस और जरा फेवरेट फिल्म बताना। Oh God, it's so difficult. चल छोड़ टेंशन मत ले, टकले के साथ कोने में जा वो बता देगा। Absolutely not. ये देखो ये सोनाली देख कैसे देख रही थी हस्बैंड के पास एकदम प्यार से। What a look. ए ये क्या है बालों के पीछे क्या है ये? हेलो प्रीतम। अरे बाबा ये क्या तेरे को क्या लगता है ये साल कैसे गया 2012? अगर एक्टर एक्ट्रेस और फिल्म सिलेक्ट करना है कि बेस्ट ऑफ 2012, ऑब्वियसली जो फिल्म्स के साथ मैं एसोसिएटेड था वो मैं सिलेक्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली आई चूज बर्फी रणबीर एंड प्रियंका। चल अंदर जा तू, मेरे को ना डैंड्रफ हो जाएगा तेरी वजह से, जू चली जाएगी तेरी अनगिनत। चल जाते जाते लेकिन एक गाना गा रे प्लीज। चरी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी। वेरी गुड। तो आपने देखा सब सेलिब्रिटीज क्या कह रहे हैं, सबसे ज्यादा सब रणवीर कोट कर रहे हैं, प्रियंका कोट कर रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूंगी पान सिंह तोमर भी एक बहुत बढ़िया फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, यानी 2012 यानी बहुत अलग टर्न था पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और अभी 2013 100 ईयर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री 1913 को पहली फिल्म आई थी ये राजा हरिश्चंद्र आई थिंक सो, और अभी 2013 है। तो ये देखो आपको क्या लगता है, पूरा दिल से कमेंट मारो और वीडियो को लाइक करो।